नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना उच्च न्यायालय, पटना ने निकाली रिक्तियां। मिड डे मील में हुआ बदलाव, बच्चों को मिलेगा अलग अलग भोजन। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षक हो जाए सावधान। बिहार में देसी चिकित्सा पद्धति को मिलेगा बढ़ावा। खुशखबरी, बिहार में घटी बेरोजगारी दर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय, पटना ने निकाली रिक्तियां। पटना उच्च न्यायालय पटना ने विधि सहायक के कुल मिलाकर 16 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास LLB, LLM या समकक्ष अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर विस्तृत जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से भी जाकर ले सकते हैं। मिड डे मील में हुआ बदलाव, बच्चों को मिलेगा अलग अलग भोजन। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी योजना के अनुसार मिड डे मील मुहैया करवाया जाता है, लेकिन अब जल्द ही इन केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक पूरक आहार में बदलाव होने वाला है, जिसके तहत ही अब बच्चों को और अधिक पौष्टिक आहार मिलेगा। नई व्यवस्था के अनुसार बच्चों को अब ज्यादा कैलोरी और प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाना है। इसकी जानकारी बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल अवधि के दौरान नाश्ते और भोजन के रूप में 2-2 बार भोजन दिया जा रहा है। इसके लिए सप्ताह के सभी दिन नाश्ते और खाने में अलग अलग व्यंजन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को बेहतर भोजन और नाश्ता मिल रहा है। बिहार में 285 किलोमीटर सड़क और पुल परियोजना पर काम जल्द होगा शुरू। बिहार में आने वाले 6 महीने में लगभग 9 सड़क और पुल परियोजनाओं पर काम होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कोशिश है कि इसका जल्द टेंडर कर लिया जाए ताकि सभी पर अविलंब काम शुरू हो जाए। ज्ञात हो जिन परियोजनाओं की शुरुआत होने वाली है, इन परियोजनाओं में दानापुर बेहटा एलिवेटेड रोड, शेरपुर दिघवारा पुल और उमगांव सहरसा रोड भी शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है। वहीं NHAI के अधिकारियों के अनुसार राज्य की 9 परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। ये लगभग 285 किलोमीटर लंबी है। इन परियोजनाओं पर 14,762 करोड़ खर्च होंगे। जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर किसानों को जमीन अधिग्रहण की राशि तेजी से भुगतान कराई जा रही है। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षक हो जाए सावधान। बिहार के स्कूलों में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं रहने वाली है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने स्कूलों में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों से हिसाब लेने का फैसला लिया है, जिसके तहत ही स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों से अब बिहार सरकार रिपोर्ट लेगी। दरअसल कई स्कूलों में टीचर्स अपनी ड्यूटी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कई बार तो ये शिकायत भी आई है कि शिक्षक स्कूल पहुंचकर अटेंडेंस बनाकर चले जाते हैं। इससे बच्चों को काफी परेशानी होती है और उनकी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी को लेकर आदेश जारी किया गया है। इसकी ही झलक पूर्णिया जिला में देखने को मिली, जब शिक्षा पदाधिकारी शिवनाथ रजक ने एक आदेश जारी कर सभी स्कूल के हेडमास्टर की विद्यालय खुलने के आधा घंटा बाद और स्कूल बंद के बाद अटेंडेंस रजिस्टर की तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप को भेजने को कहा है। इससे शिक्षकों के गायब रहने नहीं रहने की जानकारी मिल सकेगी। बिहार के लगभग 734 निजी स्कूलों में शुरू होगा स्किल कोर्स। बिहार के लगभग 734 निजी स्कूलों में स्किल कोर्स शुरू करने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको लेकर सभी स्कूलों को इसे शुरू करने का निर्देश जारी किया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में स्किल कोर्स के तहत विभिन्न विषयों का विकल्प देना है। इसको लेकर CBSE ने सभी स्कूलों को स्किल कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन देने का विकल्प दिया है, जिसके तहत अब जो भी स्कूल आवेदन देगा उन्हीं स्कूलों में स्किल कोर्स शुरू किया जाएगा। इसको लेकर 1,000 से अधिक स्कूल मान्यता प्राप्त है, लेकिन सिर्फ 734 स्कूलों ने ही आवेदन किया है। फिर से हुआ कई IAS अधिकारियों का तबादला। बीते दिन एक बार फिर से बिहार में IAS अधिकारियों का तबादला देखने को मिला। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 2 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। तबादलों की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसके तहत 1989 बैच के IAS अधिकारी श्रीमती वंदना किनी अगले आदेश तक के लिए राजस्व परिषद पटना की अध्यक्ष सह सदस्य बनाई गई है। पहले राज्य योजना परिषद पटना की मुख्य परामर्शी थी, वही 1989 बैच के अधिकारी और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा अगले आदेश तक मुख्य जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार के लंगड़ा आम और शाही लीची को जल्द ही मिलेगा विदेशी बाजार। अब बिहार के आम का लुफ्त बिहार के साथ साथ विदेशी नागरिक भी उठाने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही बिहार के लंगड़ा आम और शाही लीची को विदेशी बाजार मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जल्द ही मॉरिशस, न्यूजीलैंड, बहरीन और कतर के नए विदेशी बाजार मिलेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में बिहार के लंगड़ा आम और शाही लीची को मॉरिशस, न्यूजीलैंड, बहरीन, कतर, यूके और यूएई के बाजारों में बिक्री के लिए बिहार स्थित किसान उत्पादक संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय फल निर्यातकों और आयातकों की एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है। बिहार में देसी चिकित्सा पद्धति को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में अब देसी चिकित्सा के कुल मिलाकर 82 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण होने वाला है, जिसके तहत ही आने वाले समय में बिहार में एलोपैथ चिकित्सा पद्धति के साथ ही देसी चिकित्सा का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने की तैयारी हो रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बनने वाले 82 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सामान्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से अलग होंगे और यहां सिर्फ देसी चिकित्सा के माध्यम से रोगों का इलाज किया जाएगा। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में देसी दवाएं ही मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। विभागीय सूत्रों ने बताया है कि राज्य के 38 राजकीय औषधालय को भी साथ ही साथ विकसित किया जाएगा। इन सभी राजकीय औषधालय और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के विकास पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर एक औषधालय एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जीर्णोद्धार पर करीब 6.55 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के इन 2 जिलों और 15 शहरों में नहीं बिकेगा बिना हॉलमार्क वाला सोना। बिहार के अब 2 नए जिलों में बगैर हॉलमार्क वाला सोना नहीं मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सीतामढ़ी और मुंगेर में भी अब हॉलमार्क प्राविधान लागू कर दिया गया है, यानी इन दोनों जिलों में गैर हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री नहीं हो सकेगी। इस तरह से अब बिहार के कुल 15 जिलों में हॉलमार्क प्राविधान लागू हो गया है। जून 2021 में हॉलमार्क प्राविधान को लागू किया गया था। पहले चरण के तहत बिहार के 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो की पटना शाखा के कार्यालय प्रमुख और वैज्ञानिक ESK गुप्ता ने कहा है कि इस महीने से ही सीतामढ़ी और मुंगेर में भी हॉलमार्क प्राविधान को लागू कर दिया गया है। दोनों जिले के सराफा व्यवसायियों को हॉलमार्क लाइसेंस लेना होगा। सराफा व्यवसायी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने पिछले महीने की रिकॉर्ड टन माल लदान। पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके तहत ही पूर्व मध्य रेल ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के मई महीने में 16.06 मिलियन टन माल का लदान किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया है कि यह माल लदान पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि साल 2021-22 के मई महीने में किया गया है और ये 14.48 मिलियन टन की तुलना में 1.58 मिलियन टन ज्यादा है। इस तरह से ही चालू वित्तीय वर्ष के मई महीने में पिछले की तुलना में माल लदान में 10.88% की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के मई महीने तक पूर्व मध्य रेल द्वारा कुल 30.36 मिलियन टन का माल लदान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के इसी अवधि में किए गए माल लदान 28.05 मिलियन टन की तुलना में 8.24% अधिक है। बिहार के 14 जिले में आंधी बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के अलग अलग जिलों में इन दिनों मौसम का मिजाज अलग अलग देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में अभी आने वाले दिनों में कहीं धूप तो कहीं बारिश का असर देखने को मिलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 14 जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी की स्थिति रविवार तक बने रहने के आसार है। इन जगहों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार है। इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग के अधिकतर शहरों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। बिहार में यहां दिखेगा जलप्रपात और मगरमच्छों का हुजूम। करकटगढ़ में बिहार का इकलौता मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। कहा जाता है कि यहां सैकड़ों मगरमच्छ हैं जो पानी में रहते हैं। ठंड के मौसम में ये धूप लेने बाहर निकलते हैं तो पत्थरों पर आके बैठकर मगरमच्छों को देखने के लिए भीड़ लगती है। वन विभाग ने इसका विशेष इंतजाम कर दिया है कि ये मगरमच्छ जलप्रपात में नहीं आए। लोगों को दूर से ही इसे देखने की इजाजत होती है। इसका खास ख्याल रखा जाता है। करकटगढ़ वाटरफॉल के पास इको पार्क का निर्माण किया गया है। इस इको पार्क में आपको सेल्फी पॉइंट, हैंगिंग झूला वगैरह लगा मिलेगा। लकड़ियों की मदद से कई आकृति भी यहां बनाई गई है। पार्क के एक छोर पर उत्तर प्रदेश है, वहीं जलप्रपात को सभी तरफ से घेर कर रखा गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर लगी मुहर। सीएम नीतीश कुमार की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से प्रदेश में महाराणा प्रताप की जयंती को राजकीय समारोह के साथ मनाने की मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि 9 मई को प्रदेश में महाराणा प्रताप की जयंती राजकीय समारोह के साथ मनाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में वित्तीय साल 2022-23 के लिए राज्य में बीज वितरण और बीज उत्पादन योजना को लेकर 150,98,78,000 रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के नियमावली को मंजूरी दी गई है। साथ ही बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 27 में संशोधन किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े 3 प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। राज्य की बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है। के सदर अस्पताल में बुजुर्गों के लिए होगी खास व्यवस्था। बिहार में बुजुर्गों की खास देखभाल हो सके, इसको लेकर ही सभी सदर अस्पतालों के लिए जेरियाट्रिक वार्ड बनाने की तैयारी हो रही है। इस वार्ड के माध्यम से बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल ये वार्ड जिला के सदर अस्पताल में बनाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में अन्य अस्पतालों का चयन कर इनका विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जरूरत पड़ती है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से बुजुर्ग तो परेशान होते ही है। इस समस्या के निदान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। बिहार में संभावित बाढ़ को लेकर केंद्र ने की चर्चा। बिहार सहित कई राज्यों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश ने राज्य सहित केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मॉनसून के दौरान देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के मद्देनजर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। सहरसा के रक्तकाली मंदिर मत्स्यगंधा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। साल 1997 में तत्कालीन डीएम के प्रयास से एक बंजर जमीन पर मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना का निर्माण कराया गया था। बाद में इसके साथ ही झील से सटे भूभाग पर रक्तकाली मंदिर, 64 योगिनी धाम के साथ ही दर्जनों मंदिर का निर्माण कर इसे कोसी प्रमंडल के प्रमुख पर्यटक स्थल में शुमार कर दिया गया। यहां सैकड़ों लोग प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा और संध्या काल में घूमने आते हैं। इस मंदिर के अंदर एक स्थान पर 108 मूर्तियां स्थापित की गई है और इसमें मां काली की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है। मत्स्यगंधा जलाशय काफी सालों तक बंद रहा, लेकिन 2017 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया था। साथ ही इसमें बोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई है। इस जगह सहरसा के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से ये एक माना जाता है। अगले महीने से राजगीर के 85,000 होटल समेत 10,000 घरों में मिलेगा शुद्ध पेयजल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना गंगा जल उद्वह योजना अब जमीन पर उतरने वाली है, क्योंकि योजना के तहत ही अब अगले महीने से राजगीर वासियों को शुद्ध पेयजल मिलने वाला है। योजना के तहत ही अभी राजगीर के 10,000 घरों में पीएचईडी के माध्यम से गंगा जल का कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा राजगीर के 85 होटल, 22 स्कूल, सरकारी भवन, सरकारी संस्थान के साथ नेचर सफारी, जू सफारी में भी गंगा जल की आपूर्ति होगी। इसके तहत ही होटल मालिकों को गंगा जल आपूर्ति करने से पहले संप बनवाने के लिए निर्देश दिया गया है, जहां गंगा जल का स्टोरेज हो सके। अधिकारियों की माने तो गंगा जल उद्वह योजना नालंदा ही नहीं बल्कि गया और नवादा जिले में पेयजल के लिए वरदान साबित होगा। खुशखबरी, बिहार में घटी बेरोजगारी दर। बिहार में जिस समस्या की सबसे ज्यादा मुखर रूप से आवाजें आई हैं वो है बेरोजगारी की, लेकिन अब बिहार में बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिली है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 13.3% बेरोजगारी दर का पता चला है। ये रिपोर्ट मई 2022 का बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की बेरोजगारी दर में इस बार बढ़ोतरी हुई और पिछले महीने अप्रैल 2022 में दर्ज 11.2 से बढ़कर ये मई 2022 में 13.6% हो चुका है। बात गुजरात की करें तो यहां 1.6 से बढ़कर अब यह 2.1 हो गई है। झारखंड में पिछले महीने इसे 14.2% दर्ज किया गया था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कृष्ण वल्लभ सहाय की। कृष्ण वल्लभ सहाय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। श्री कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म पटना जिले के शेखपुरा में मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में श्री मुंशी गंगा प्रसाद के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। सन 1919 में उन्होंने सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से अंग्रेजी ऑनर्स से प्रथम श्रेणी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वहीं आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1994 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। जदयू के वरिष्ठ नेता ने जदयू कांग्रेस के साथ आने की कही बात।
बिहार में जल्द ही विधान परिषद चुनाव का आयोजन होने वाला है। इसके लिए ही विभिन्न पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का काम हो रहा है। हाल ही में राजद ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। वहीं अब जदयू भी जल्द ही अपने दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली है। इसी बीच अब जदयू की तरफ से राज्य के ऊर्जा मंत्री ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में उतरने के संकेत दे दिए हैं, जिसके तहत ही उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा और जदयू दोनों दो दो सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। अगर MLC चुनाव में कुछ विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस से भी बात हो सकती है। सहनी के बाद मांझी बढ़ाएंगे NDA की मुश्किलें। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत होने के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी दावेदारी शुरू हो गई है। NDA गठबंधन की बात करें तो एक तरफ जहां भाजपा और जदयू के बीच 50-50 के फॉर्मूले पर पेंच फंसा हुआ है, तो वहीं बड़े घटक दलों की मुश्किलें जीतन राम मांझी ने बढ़ा दी है। ताजा जानकारी के अनुसार जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने विधान परिषद की एक सीट पर अपना दावा पेश किया है। हालांकि ये उन्होंने मीडिया के सामने आकर नहीं बल्कि भाजपा और जदयू के नेताओं के सामने रखा था। फिलहाल पार्टी का कोई भी नेता आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कह रहा है। जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने को लेकर शुरू हुई लड़ाई। हाल ही में बिहार में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बिहार में जातीय जनगणना करवाने के पक्ष में निर्णय लिया गया है, जिसके बाद ही अब मामले में श्रेय लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां पहले तेजस्वी यादव ने जनगणना को लेकर आए फैसले में अपनी भूमिका अहम बताई थी, तो अब बीते दिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाजपा जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही है बल्कि भाजपा ने हमेशा समर्थन ही किया है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में दो दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव भाजपा के सहमति और भाजपा जदयू की सरकार के कार्यकाल में ही पारित हुआ। पद्मश्री भाजपा MLA भागीरथी देवी ने दिया इस्तीफा। पश्चिम चंपारण की रामनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। भागीरथी देवी ने पार्टी संगठन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दलित होने के कारण उनकी बात नहीं सुनी जाती। भागीरथी देवी ने कहा है कि बघा जिला संगठन में हमारी पूछ तक नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया है कि बघा जिला संगठन में दूसरे दल को मदद पहुंचाने वालों की पूछ होती है। भागीरथी देवी ने कहा कि संजय जायसवाल उनकी परेशानियों से अवगत है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में अब भागीरथी देवी राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति से इस्तीफा दे चुकी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। ब्रिटिश सरकार ने 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। गांधी जी की अध्यक्षता इंदौर में 1918 को हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई। ब्रिटिश राज में भारत की आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। भारत सहायता क्लब का 1994 में नया नाम भारत सहायता मंच किया गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने 2008 में उपचुनाव में करारी हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया। केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर रिफंड को दे दी गई मंजूरी 2008 में वापस ले ली। भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा का जन्म 1867 में हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 1930 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही रूमा पॉल का जन्म 1941 में हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके कृष्ण वल्लभ सहाय का निधन 1974 में हुआ। श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल का निधन 1994 में आज ही के दिन हुआ था। MS धोनी बोले, अगर ऐसा होता तो मैं भारतीय टीम के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाता। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी ने तमिलनाडु के थिरुवल्लूर जिले में एक स्थानीय क्रिकेट एकेडमी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब मैं एक उत्सव का हिस्सा हूं, जहां हम एक जिला संघ की सफलता का जश्न मना रहे हैं। मैं अपने जिला क्रिकेट संघ या राज्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। क्रिकेटरों को अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व होना चाहिए। मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन ऐसा नहीं होता अगर मैं अपने जिले या स्कूल के लिए नहीं खेलता। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है गौतम कुमार, रविकांत यादव, रंजीत मिश्रा, सुबोध प्रसाद यादव, विजय कुमार मंडल, राजवीर रंजन, सरोज कुमार, कौशल किशोर, गुलशन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके इलाके की सड़क व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।